जमीनी विवाद में रिटायर्ड फौजी की हुई पीट पीट कर हत्या। दरभंगा बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पतोर ओपी अंतर्गत श्रीराम पिपरा गांव में धान की रोपनी करा रहे रिटायर्ड फौजी को जमीनी विवाद में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शुक्रवार को फौज से रिटायर 80 वर्षीय विनोद कुंवर अपनी खेती में धान की रोपनी करवा रहे थे। इसी क्रम में उनके फरीक रजनीश कुंवर, मनोरंजन कुंवर, चितरंजन कुंवर, अमरजीत कुंवर खेत पर पहुंचे और विनोद कुंवर की लाठी डंडे से पिटाई करने लगे, जिस देख आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक विनोद कुंवर की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद इस घटना की सूचना पतोर ओपी को दी गई। वही सूचना मिलते ही ओपी प्रभारी टिकेंद्र चौधरी अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच में जुट गए हैं। वही इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है तथा परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। वही फौजी के पुत्र विक्रम ने कहा कि हमारे पिताजी 1990 में सेना से सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्त होने के बाद गांव में ही खेती बाड़ी करने लगे। आज सुबह 7 बजे के करीब अपने खेत में धान की रोपनी करवा रहे थे। उसी क्रम में हमारे फरीक विनय कुंवर के चारों पुत्र रजनीश, अमरजीत, मनोरंजन, चितरंजन कुंवर अचानक हमारे खेत पर आ धमके और हमारे पिताजी को अंधाधुंध मारने लगे, जिसे देखकर मैं भी दौड़ के आई तो उन लोगों ने मेरी भी पिटाई कर दी। उसी मारपीट के क्रम में हमारे पिताजी की मौत हो गई। पिताजी हैं सुबेदार विनोद कुंवर, रिटायर सुबेदार विनोद कुंवर, 1990 में रिटायर हुए AMC मेडिकल कोर्स से और 32 साल करीब हो गए उनको रिटायरमेंट का। अपने गांव में खेतीबाड़ी कर रहे थे और आज सुबह 7:30 बजे धान का रोपनी करवा रहे थे। वैद्यनाथ पासवान है, रोपनी कर रहे थे। उसी क्रम में रजनीश कुमार, उनके पिताजी का नाम हुआ विनय कुमार, और अमरजीत कुमार, पिताजी का नाम भी हुआ विनय कुमार, और मनोरंजन कुमार और चितरंजन कुमार, ये चारों फरीक हैं मेरे, आए और मेरे पिताजी को अंधाधुंध मारने लगे, लात घुसा डंडा से मारने लगे, जबकि मैं आगे था, बहुत आगे था, दौड़ के आया, हमको भी उन्होंने मारा। वृद्ध थे जिनका नाम कुंवर है, लगभग 84 साल की उम्र है, जैसे उनके परिजनों ने बताया गया। सुबह कुछ झंझट हुआ था, हाथापाई विवाद हुआ था, उसमें उन्हें कोई चोटें आई, वो गिरे और उसके बाद उनका देहांत हो गया। पूर्व में भी इन लोगों के साथ कई और लोगों का विवाद रहा है, जिसमें कुछ केस दर्ज हैं, पुराने चार्जशीट भी हो चुके हैं। इस विवाद के संबंध में अभी तक कोई लिखित सूचना, कोई रिपोर्ट, कोई FIR थाने पर परिजनों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, नहीं कराई गई कही है। फिर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है जो यथोचित कार्रवाई। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।